पिलानी कस्बे के उत्सव मैदान में चल रहे लोकवार्ता एवं दैनिक हुक्मनामा समाचार मेगा ट्रेड फेयर मेला परवान पर है। यहां पर पिलानी कस्बे सहित आसपास के गांव से भी काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार की शाम को लोकवार्ता एवं हुक्मनामा समाचार के चैनल हेड श्री प्रदीप लोढ़ा ने दीप प्रज्वलन कर मेले की शाम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने मेले में घूमकर मेले का अवलोकन किया। उसके पश्चात मेला आयोजक हनुमान सहाय शर्मा एवं मेला आयोजित टीम ने लोढ़ा जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदीप लोढ़ा जी ने कहा कि मेले में घरेलू साज सज्जा सहित सभी प्रकार की दुकानें हैं, बहुत अच्छे से लगी हुई हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली की प्रसिद्ध चाट की भी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकवार्ता एवं दैनिक हुक्मनामा समाचार के तत्वाधान में और भी कई जगह मेले का आयोजन करवाएंगे और दिनों दिन अच्छी व्यवस्थाएं मेले में आने वालों के लिए रहेगी। उनको कई प्रकार की डिस्काउंट, कैशबैक जैसे ऑफर भी मिलेंगे, जिसके लिए प्रबंधक टीम कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में लोकवार्ता एवं दैनिक हुक्मनामा समाचार भी अन्य मीडिया चैनल एवं अखबारों द्वारा किए जा रहे मेगा ट्रेड फेयर मेले के आयोजन की श्रेणी में नंबर वन पर आएगा। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल घोघलिया ने किया। मेले में महिलाओं के लिए मुख्य आकर्षण फैंसी जूते, चप्पल एवं सौंदर्य सामान लुभा रहा है। मेले में आकर महिलाएं युवतियां मेले में स्थित फैंसी जूतियां एवं चप्पलें जरूर खरीद कर ले जा रही है। लोकवार्ता ने स्थानीय महिलाओं से पूछा व उन्होंने कहा कि इस मेले में उनको एक ही छत के नीचे सारी जरूरत की वस्तुएं मिल रही है। बाजार में तो हर सामान अलग अलग जगह कई दूरी में जाकर मिलता है, लेकिन हमें यह सुविधाएं यहां पर एक ही छत के नीचे मिल रही है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। मेले में मेला समिति ने प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के तहत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अनुसरण करते हुए मेले में साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रख रही है। मेले में कई स्थानों पर कचरा पात्र रखवाए गए हैं, साथ ही सफाई कर्मियों को भी लगाया गया है जो मेले में स्वच्छता बनाए रखें। और साथ ही समिति ने मेला परिसर में अनेक स्थान पर स्वच्छता के संदेश लिखे हुए बोर्ड भी लगाए हैं, जिससे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। का आयोजन हुआ है, हो रहा है, उसमें हम एक सहयोगी हैं, लोकवार्ता और हुक्मनामा दोनों, और इसमें हनुमान जी, लाला राम जी, राठौड़ जी, इन सबका पूरी इनकी टीम लगी हुई है। हमारा एक जॉइंट वेंचर है और ये आगे बढ़ेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे से इनका जो जुड़ा हुआ है, इसके बाद इनके काम में भी गति आएगी, हमारे भी प्रचार प्रसार में गति आएगी। और मेरी आज काफ़ी चर्चा हुई है, ये लोसल में भी कर रहे हैं, उसके बाद टॉप का भी मेला एक फाइनल हुआ, उसके बाद अलवर का मेला भी हमारे फाइनल हुआ है आपस में जॉइंट वेंचर में। और अगले कुछ दिनों में यहाँ के जो पिलानी के निवासी हैं, उनको एक इन्होंने फैसला लिया, तो इसी मेले से एक नई स्कीम मिलेगी, जिसमें खाएंगे पियेंगे उनको 100% कैशबैक मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है, इसको एक मेले में लागू करने के लिए चर्चा हो रही है। ये एक दो दिन में व्यवस्था करके इसको संभवतः इसी 2017 में चालू कर देंगे, और इसका लाभ इसी मेले से पिलानीवासियों को मिलेगा, यानी वो अपने बच्चों को घुमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। उसका एक ऐप है खुला मार्केट, उससे 100% कैशबैक मिलेगा उनको, अगले एक डेढ़ महीने के अंदर उसका पैसा मिल जाएगा। इसके लिए उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इसी खर्चे के अंदर जो उन्होंने झूला झूला खाना खाया, छोले भटूरे खाए, दिल्ली की चाट खाई, उसी पैसे के अंदर ये इनको आयोजक है वो ऐप का शुल्क है, जो निर्धारित शुल्क है उसको भरेंगे, और ऐप इनको 100% तक कैशबैक वापस करेगा, ताकि आने वालों की संख्या बढ़े। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये नया जॉइंट वेंचर है, ये जो बड़े बड़े दिग्गजों के मेले होते हैं उनसे कहीं कमज़ोर नहीं पड़े। अगले एक दो तीन मेले के बाद हमारी जो गणना गिनती होगी वो उनके बराबर ही होगी, ये मैं आपको विश्वास दे।